डाउटनेट पर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक तो लिंक लीजिए डिस्क्रिप्शन पर है। जी हाँ छात्रों, इंतज़ार की आपकी जो घड़ी है वो बहुत ही ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो UP बोर्ड है उसने अपना सिलेबस बहुत सारा कम कर दिया है। इसमें से आपको बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, तो किस प्रकार से आप 90+ ला सकते हैं अब इस सिलेबस के कम होने के बाद, और इसके बाद 90+ तो ला ही सकते हैं, और पढ़ने का रूटीन कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर खत्म हुए हैं, तो अंत तक वीडियो को देखना, एक भी स्किप मत करना। और चैनल पर पहली बार आए होते हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपी बोर्ड 2020 में जो है 20 से 30% सिलेबस कम करने का पाठ्यक्रम में, देखिए CBSE बोर्ड ने, यहाँ पे पूरी न्यूज़ डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया CBSE बोर्ड के बाद अब यूपी बोर्ड भी इस वर्ष 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में 20 से 30% कमी करने का फैसला ले चुका है। मतलब उसने कहने का है कि जो यूपी बोर्ड है उसने भी अपना फैसला ले लिया है। उसने कहा है कि ऑनलाइन परीक्षा क्रम पाठ्यक्रम योजना बनाई जा रही है। आमतौर पर देखिए 15 जुलाई से, यहाँ पर शिक्षा परिषद ने कहा है 15 जुलाई से ऑनलाइन, तो ये देखिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि 15 जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इसके बाद कहा गया है कि आमतौर पर अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण, कोरोना के चलते अब तक जो सेशन जो आपका है वो स्टार्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता ही है स्कूल ही नहीं खुल रहे, तो ये सत्र अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। सत्र 2020-21 में 2 महीने तक की पढ़ाई नहीं होने की विभाग ने सिलेबस कम करने की फैसला लिया है। देखिए विभाग ने क्या किया है, सोचा है कि देखिए पढ़ाई बच्चों की हो नहीं पाई, तो 2020 में 20 से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। कितने परसेंट? 20 से 30%, जिसमें से आपके सपोज करिए अगर मान लीजिए आपके पास 10 चैप्टर थे तो अब आपको ओनली 7 चैप्टर पढ़ने होंगे। कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? 7 चैप्टर पढ़ने होंगे। 30% सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, 7 या 8 चैप्टर पढ़ने होंगे। और छोटे छोटे सब चैप्टर को कौन कौन से हटेंगे इसके बारे में मैं ऑफिशियल न्यूज बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इस सिलेबस के कम होने के बाद पढ़ सकते हैं और 90+ ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अब कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए साइंटिफिक रीजन है कि 21 दिन आपको मन लगाना होगा। किसी भी चीज़ में आपको 21 दिन मन लगाना होगा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पढ़ाई में नहीं मन लगता तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने हाई स्कूल में जो भी हाई स्कूल किया है या फिर आप 9th में पढ़े हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा होगा, जैसे कि ले लीजिए मैथ या फिर किसी का फिजिक्स या फिर किसी का केमिस्ट्री या फिर किसी का इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपको फेमस रहा हो आपका, आप क्या करिए उसी सब्जेक्ट को, ओनली उसी सब्जेक्ट को 21 दिन तक पढ़िए। इसके बाद उसको ज़्यादा पढ़िए, उसको कम से कम 2 घंटे पढ़िए, और आधा सब्जेक्टों को आप 2 घंटे दे दीजिए, मतलब उनमें किसी को आधा घंटा पढ़िए, किसी को 20 मिनट पढ़िए। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन में आपकी ऐसी आदत बन जाएगी, आपका पढ़ने में जो है सभी सब्जेक्टों में मन लगने लगेगा। तो फिर आप क्या करिए, 2-2 घंटे का एक टाइम टेबल बना लीजिए, 2-2 घंटे सभी सब्जेक्ट को दीजिए, जिसमें आप कमज़ोर हैं उसको ढाई दीजिए, या फिर 2-2 घंटे आप दे रहे हैं तो जिसमें आप ज़्यादा आता है उसमें 1.5 घंटा ही दीजिए। इस प्रकार से आप अपने एक टाइम टेबल बाद में चूज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजन के अनुसार आपको 21 दिन अपनी स्ट्रेटजी बनाना होगा, स्ट्रेटजी को मेंटेन करना होगा। उसके लिए आपको अपने फेवराइट सब्जेक्ट को पकड़ना होगा। आप अगर फेवराइट सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं तो इससे आप समझ जाइए कि आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। तो इस प्रकार से आप 90+ ला सकते हैं। और एक वीडियो में बनाऊंगा अभी कि 4 घंटे में 90+ आप कैसे ला सकते हैं। डेली दिन में 4 घंटे पढ़िए ओनली, और अब 90+ ला सकेंगे। तो अगली वीडियो में उसे मैं कंप्लीट बहुत कुछ आपको समझाना पड़ेगा, तो वो मैं समझाऊंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए यार, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। बोर्ड एग्ज़ाम देखिए दोस्तों, जीवन की पहली सीढ़ी होती है हाई स्कूल और दूसरी सीढ़ी होती है इंटर। तो अगर आप पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी अच्छे से नहीं चढ़ पाते तो आपको रोप तक, छत तक पहुँचना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, तभी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक से जो टॉपर होते हैं वो टॉपर्स क्या
क्या करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं अभी से, और वो जा कर के लास्ट में 90+, 95+, 96+ इस प्रकार से मार्क लाते हैं। तो बताइए बड़े बड़े मनुष्यों योगी आदित्यनाथ जी जैसे महान लोगों से पुरस्कार पाते हैं, तो आप भी उस लायक बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के हाथों पुरस्कार पा सकते हैं, अच्छा सा एक लैपटॉप पा सकते हैं अगर अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स